जीएसटी लागू होने के बाद ये पता चला कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जो कुछ भी घटाकर कुछ भी बचता नहीं। इसलिए चूंकि ये लीडिंग कंपनियां थी, लीडिंग कंपनियों ने माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में बाकी इंडस्ट्री को लाने के लिए, इसलिए इनको विशेष रूप से इस फार्मूले के तहत इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। 1751 को 15 साल में दिया जाए, 15 वर्षों में, ये खास बात है। जी नहीं, केस टू केस बेसिस की फार्मूला था कि केस टू केस बेसिस के ऊपर हम इसको तय कर सकते हैं। एलजी का 567 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और उनको 10 वर्षों में जो इस फार्मूले के तहत पैसा बनेगा वो 10 वर्षों में उनको दिया जाएगा। तीन प्रकार के अगर आपको समझना चाहो तो समझा देती हूँ, क्योंकि वो मेरा विभाग है। आईटीसी को माइनस करके जो भी हमारा यानी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जीएसटी में ये वन टाइम टैक्स केवल पड़ता है। तीन प्रकार का जीएसटी है, एसजीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि इंटर स्टेट है और एक सेंट्रल का है, एक स्टेट का है। जो भी पैसा जो कंज्यूम स्टेट में होता है उसका पैसा तो हमको मिलता है, और जो स्टेट के बाहर होता है, जैसे इनके इनका प्रोडक्शन था लगभग 60,000 करोड़ का, और मात्र 5% की बिक्री उत्तर प्रदेश में है, बाकी सब जगह आउटसाइड। इसलिए ये फार्मूला निकाला गया कि किसी भी तरीके से इनको इस फार्मूले से इंसेंटिवाइज किया जाए, अर्थात लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इनका वो आता है और 270 करोड़ रुपए का इनका वो आता है, तो इसलिए उसको अगर उसी अनुपात में घटाकर अगर देखा जाता है तो 15 वर्षों में इंसेंटिवाइज करने के लिए इनको 1751 करोड़ रुपया निकलता है, 1751 करोड़ रुपया 15 वर्षों में दिया जाए। दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है, केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हमसे ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र का 374,092, कर्नाटक में 321,000 और हमारा अक्टूबर 2019 से 2022 तक मात्र 9435 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। इसलिए इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक पॉलिसी आई है कि 100 करोड़ रुपया के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खास तौर से इनको 75% और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा, इसके साथ स्टाम्प ड्यूटी में भी सुविधा दी गई और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी इनको 25% से 30% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा दी जा रही है। ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पॉलिसी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके साथ साथ एक इसमें और इंसेंटिव दिया जा रहा है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए, आज तो बता चुके शुरू में 21 प्रस्ताव आए थे, 20 पास हुए। ये इस योजना के अनुसार प्रत्येक पात्र योजना हेतु उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 5 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5,000 रुपए की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की लागत की प्रतिपूर्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे खासतौर से इन जनजातियों में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, खासतौर से समाज में जनजातीय जीवन शैली परंपराओं व कला विधाओं से परिचित हो सकेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों व उत्पादों का विक्रय होने से उन्हें आर्थिक लाभ होगा, जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान से में वृद्धि होगी। ये संग्रहालय जो है पूरी तरीके से केंद्रीय सहायता, अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उसके लिए 15 करोड़ रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इस विशेष परियोजना के लिए जो भारत सरकार को इसमें संपर्क किया गया है, पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। प्रदेश में निवासरत जो जनजाति इसमें खासतौर से शामिल होगी उसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, परिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, बुनिया, पंखा, चेरू और कोल, इस तरीके की जातियां जो हैं इन जातियों का खासतौर से ये एससी और एसटी का संग्रहालय बनेगा। जी इसका बजट है 2446 लाख, 2486,46,000। ये जनजाति जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध है, 11,34,273 है इसकी जनसंख्या, 11,34,273। इसमें मिर्जापुर में जो भूमि आवंटित की गई है तो लगभग 4 एकड़ से कुछ ज्यादा है, 4.046 हेक्टेयर, और सोनभद्र में जो जमीन जो दी गई है वह 2.828 हेक्टेयर। ये एक औपचारिक है, इसमें पर्यटन विभाग का एक अतिरिक्त अनुभाग सृजित हो रहा है चौथे में। इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर नए थाने बन रहे हैं, जैसे जनपद वाराणसी के थाना शिवपुर, जनपद गाजियाबाद के थाना टीला मोड़, जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण, जनपद आगरा के थाना शाहगंज, जनपद गोरखपुर के कैंकरगंज में अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में नवीन थाना, जैत के निर्माण एवं जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 में मॉडर्न थाने के निर्माण हेतु भूमि कम होने के कारण अतिरिक्त मंजिल बनाए जाने तथा भविष्य में निर्मित होने वाले थानों तथा जनपदीय परिक्षेत्रीय साइबर थानों एवं पुलिस विभाग के अन्य भवनों हेतु उपलब्ध भूमि कम होने की स्थिति में मानकीकृत क्षेत्रफल के अनुसार अतिरिक्त मंजिल बढ़ाए जाने तथा लेआउट प्लान और फ्लोर प्लान अनुमोदित किए जाने का अधिकार माननीय विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिपादित किए जाने के संबंध में है। इस पर आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। इसमें ये 11 माह से लेकर 24 माह तक कार्य पूर्ण कराए जाएंगे, खासतौर से इन स्थानों पर जो स्थान कम के होने की वजह से इनको अतिरिक्त वो दे दिया गया। और अब तो वर्टिकल का जमाना है, क्योंकि भूमि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल बढ़ाए जाएँ। अभी तक G+2 को अब G+3 बनाए जाने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया, यानी ग्राउंड फ्लोर +2 था, अब G+3 हो गया। ये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को भी आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें खासतौर से जो हमारे बहुत से संस्थान हैं उनमें उनको
सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक नया नियमावली आई है। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें लीज दी गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। ये भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन एवं भूमि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का कार्यालय भी स्थित है। तो ये भूमि जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को 30 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी। 100 वर्ष 100 रुपए वार्षिक रेंट पर इस दर से पट्टे पर आवंटित भूमि को वापस देते हुए उक्त भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। मथुरा में एक इंटरनेशनल SKS इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये तो पहले भी आ चुका है, इसके लिए देवी पाटन मंडल, विद्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में उच्च शिक्षा की उपलब्धता की जाने हेतु एक एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया। वर्ष 2023-24 के आय व्यय के अनुदान में 73 अंतर्गत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस विश्वविद्यालय हेतु कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता तथा लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। विंध्याचल धाम मंडल के अंतर्गत 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई, संत रविदास नगर तथा सोनभद्र में सम्मिलित है। विंध्याचल धाम मंडल के 3 जनपदों में स्थित समस्त महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संबद्ध है। विंध्याचल धाम मंडल मिर्जापुर में एक नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 3 जनपद मिर्जापुर, भदोई और संत रविदास नगर सोनभद्र में स्थापित महाविद्यालय में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार मुरादाबाद का है और इसी प्रकार देवी पाटन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर, वर्तमान में जो हमारा आप लोगों के माध्यम से भी कहना है कि अपना आधार वेरीफाई कर लें, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर इस दीपावली के अवसर पर दिया जा रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लाभार्थियों से ये आग्रह होगा कि सभी लोग अपना आधार वेरीफाई करा लें, क्योंकि दीपावली पर उनको निःशुल्क सिलेंडर मिलने जा रहा है। 175,04,387 ये अभी तक जो व्यवस्था है वो ये है कि सिलेंडर लेते हैं और बाद में पैसा रिइंबर्स होता है अकाउंट। नई शीरा नीति आई है, 19% शीरा जो है लगभग हम सब जानते हैं कि 22-23 में भी आबकारी राजस्व का लगभग 44% अंश देशी मदरा से प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदरा आश्रमियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2022-23 में देशी मदरा उत्पादक आश्रमियों को CIV शीरे के टर्म में आग्रह करके CIV शीरे की निर्धारित होने वाली कुल मात्रा का 20% पिछले साल दिया था, इस साल 19% शीरा जो है जो उनको दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के अंतर्गत 6 प्राधिकरणों उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को इनको एक सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जा रही राशि। ये भी जो विस्तार हो रहा है खासतौर से 6 प्राधिकरणों को ये उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि अर्जन के रूप में आने वाले व्यय का 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह है 6 प्राधिकरण। अयोध्या स्वीकृत धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ 200 करोड़, आगरा 150 करोड़, उत्तर प्रदेश विकास आवास विकास परिषद वाराणसी 400 करोड़, मुरादाबाद 200 करोड़, न्यू कानपुर सिटी योजना इसमें 150 करोड़, इनकमो आवासीय योजना के 50 करोड़, टोटल लगभग 1580 करोड़। इसका 50% पैसा सीड कैपिटल के रूप में 6 प्राधिकरणों को, 6 प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को, यानी कि वाराणसी में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वाराणसी विकास प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। नहीं, बाकी सब में विकास प्राधिकरण को दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 400 करोड़ रुपए अलग से दिया जा रहा है। 6 विकास प्राधिकरण इसमें 20 साल के लिए 50% कैपिटल सीट के रूप में पैसा दिया जाना आज मान्य हो गया, ताकि जो विस्तारीकरण हो रहा है उसका समुचित रूप से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराई जा सके। ये 13 नंबर उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाला ये डिफर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत की नरसरी तहसील अमरिया, ये निःशुल्क भूमि जो है वो नई तहसील में जनपद पीलीभीत की नवसृजित तहसील अमरिया के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित ग्राम अमरिया स्थित गाटा संख्या 290 रकबा 1.12 हेक्टेयर नान जेडे भूमि जो सिंचाई विभाग की नहर कोठी के नाम दर्ज है अभिलेख है तथा भूमि पर निर्मित भवन राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जा रहा है। इसमें हेरिटेज बिल्डिंग है वो लोग इसको मेंटेन भी करेंगे राजस्व विभाग वाले निःशुल्क दिया जाए। जनपद कुशीनगर में 1026 बंदी क्षमता की एक कारागार के लिए आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार 2 साल के अंदर ही बनकर तैयार होगी। अभी तक यहाँ 228 करोड़ 31 लाख 52 हजार